टुडे वी विल स्टार्ट विद द 12th क्लास प्रैक्टिकल्स और जो प्रैक्टिकल्स कराने वाले हैं वो प्रैक्टिकल्स हैं आपके फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप भी आपके प्रैक्टिकल्स में है, तो हम ये पार्ट करा रहे हैं आपका ऑर्गेनिक का। तो ऑर्गेनिक में जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम एक वन बाय वन स्टार्ट करके देखेंगे कि अगर हमें लेट्स सपोज हम एग्जाम में देख दिया जाता है अननोन फंक्शनल ग्रुप, तो हम कैसे बता पाएंगे वो कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है या फिनोलिक ग्रुप है। तो उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो उनको हम ईजिली आइडेंटिफाई करेंगे वन बाय वन। लेट्स सपोज प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले मैं आपको स्टूडेंट्स के नाम बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नाम नहीं पता होते, प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं लेकिन जब उनसे पूछा जाता है एग्जाम में इसको क्या बोलते हैं तो उन्हें नहीं पता होता। तो बिफोर वी स्टार्ट द प्रैक्टिकल वी विल इंट्रोड्यूस ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विच वी विल यूज इन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नोन एज टेस्ट ट्यूब, दिस इज नोन एज टेस्ट ट्यूब एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब स्टेंट, दिस इज योर टेस्ट ट्यूब स्टेंट एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब्स एंड दीज आर योर बीकर्स, दिस इज योर मेजरिंग सिलेंडर and this will be your spatula. With the help of this we can use, आप अपने सॉल्ट को इस तरह से रख सकते हैं। और ये क्या है आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो इस टेस्ट ट्यूब होल्डर का क्या काम है बेटा, लेट्स सपोज मैंने ये टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब को मैं इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में पुट करूँ, क्लियर, मैंने इसमें इसको रखा। अब दिस इज योर ग्लास रॉड, इसको हम बोलते हैं ग्लास रॉड। ग्लास रॉड में क्या करते हैं हम, ग्लास ट्वेल कोई भी आपको सोल्यूशन मिक्स करने हैं तो वो आप इसमें डालिएगा और विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रॉड यू कैन मिक्स द सोल्यूशन वेरी वेल एंड आइडेंटिफाई दैट योर सोल्यूशन और योर फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोल, क्लियर। तो हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कीटोन से, ठीक, कीटोन से हम स्टार्ट करेंगे और कीटोन में हम कीटोन का फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैंने कीटोन को ग्रुप को फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सा कौन सा यूज किया, एसीटोन, ठीक। तो एसीटोन इज अ डेरिवेटिव ऑफ कीटोनिक ग्रुप, तो हम जब ये एसीटोन लेंगे तभी भी आप कोई भी डेटा यूज कर रहे हैं ग्लास में तो हमेशा पहले उसको वॉश कर लेते हैं, ठीक। तो अब मैंने क्या करा, ये आपका एसीटोन है, एसीटोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सबको पता ही है, ऑलरेडी वी डिस्कस इन क्लास एंड जब ने एसीटोन को किसमें ट्रांसफर किया है क्लास बीकर में, ठीक है। तो आपको जिसमें मैंने ट्रांसफर किया है ये क्या है आपका बीकर, तो इसमें जो आप सबसे पहला टेस्ट करने वाले हैं कीटोन्स में वो क्या करने वाले हैं, मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट, फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे दैट इज योर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट। तो उस टेस्ट के लिए आप लोग क्या करेंगे, 1 ml कंपाउंड लीजिए, कितना लेना है आपको 1 ml, ठीक है। तो मैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेजरिंग सिलेंडर आप देख सकते हैं इसमें यूनिट्स होती है 1, 2, 3, 4, 5, तो आप क्या करेंगे 1 ml इसमें सॉल्ट लिया, जो हमारा सॉल्ट क्या है कीटोन, ठीक, इसमें मैंने 1 ml ऐड कर दिया। उसके बाद मैं इसमें 0.1 gram हम इसमें क्या लेंगे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन, अच्छा जो ये मैं यूज कर रही हूँ पेपर इसको हम बोलते हैं फिल्टर पेपर, दिस इज योर फिल्टर पेपर ग्लास। तो हम जब भी कोई अपैरेटस कुछ भी यूज करते हैं तो फॉर शेप ऑफ प्योरिटी हम
इसमें आप ऐड कर देंगे, अप्रॉक्सीमेट लेके चल रहे हैं, मैंने इसमें ऐड कर दिया क्या आपका 0.1 ग्राम मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। देखिए आपका क्या है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है आपका C6H4NO2O4। आई रिपीट द फॉर्मूला C6H4N2O4, जिसका नंबर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका एटॉमिक मास, दैट इज योर 168.11। अब मैंने इसमें इसको मिक्स कर दिया ग्लास में। अब मैं इस सॉल्यूशन को यहाँ रख दूंगी, क्यों? क्योंकि मुझे इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के लिए एक और सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, इसमें दूसरी टेस्ट ट्यूब में। तो अगेन हम क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रखेंगे इसको, एंड नेक्स्ट जो सॉल्यूशन मुझे बनाना है वो क्या बनाना है, 2 ml NaOH। उसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रो क्रूसाइड।
उससे आप सोचते हैं हमारा एक्सपेरिमेंट सही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्लास। आप जितना लेस क्वांटिटी में आपने सॉल्ट्स लेंगे उतने ही इजीली आपके प्रैक्टिकल्स बहुत जल्दी निकल के आते हैं। अब इसमें देखिए मैं इसको मिक्स करूँगी, इसके क्रिस्टल्स को, किसके क्रिस्टल्स को मिक्स कर रही हूँ मैं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के। तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के क्रिस्टल्स को जब मैं वाटर में मिक्स कर दूँगी ग्लास, और मिक्स करने के बाद जब मैं इसमें ऐड करूँगी अपना सॉल्ट, तो सॉल्ट ऐड करने में इसमें रेड कलर आना चाहिए। तो हमने बीकर में एसीटोन ले रखा था, देखिए ग्लास देख सकते हैं कितना अच्छा टेस्ट आया है, रेड कलर। ठीक है बेटा, तो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कीटोन। तो कीटोन के क्या है, बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं क्लास में। सबसे पहला टेस्ट हमने लिया मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन जिसका ब्लू कलर आया है, और सेकेंड वाला हमने लिया है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट जिसका रेड कलर आया है, और दोनों ही मेरे कंफर्म हो गए हैं, दोनों का कंफर्मेटरी टेस्ट बहुत अच्छे से आया है। तो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट एंड हेंस दिस प्रूव दैट कि जो मुझे गिविंग सॉल्ट मिला है वो मेरा किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कीटोनिक ग्रुप से बिलोंग करता है क्लास। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल करना है, तो इसमें मैंने एसीटोन लिया था, इस एसीटोन को दोबारा से बोतल में रख दूंगी, कभी भी वेस्ट मत करिए इस सॉल्ट को। अब दोबारा से तो ये हमने एक ग्रुप कौन सा देखा क्लास में, कीटोन ग्रुप। अब हम लोग नेक्स्ट ग्रुप देखेंगे, वो ग्रुप हम देखेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सॉल्ट ले रखा है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है, COOH का होल ट्वाइस, इसका नंबर टर्मिनल मास होता है 126.07। क्लियर। अब मैं ऑक्सैलिक एसिड में कौन सा टेस्ट करूंगी, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो ये हम जनरली भी करते हैं जब हमें एसिड बेसिक रेडिकल्स में आइडेंटिफाई करना होता है, तो हम ये डिसाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा गिविंग सॉल्ट एसिडिक है या दोबारा से रिपीट कर दूँ क्लास। हम लोग जो प्रैक्टिकल करेंगे अभी, दूसरा फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, वो करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने उसमें जो सॉल्ट लिया है वो लिया है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। अब इसमें हम जो टेस्ट करने वाले हैं उस टेस्ट का नाम है कंफर्मेटरी टेस्ट जो हम कर रहे हैं, वो नाम है आपका उसका सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, बहुत बड़ा ही कॉमन और इजी टेस्ट है, ज़्यादातर सब लोग इसी को यूज करते हैं। ठीक, अब मैंने इस टेस्ट में क्या लिया बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। अब मैं दूसरे टेस्ट में क्या लूंगी क्लास में,
बाइकार्बोनेट, इसमें 3 to 4 ml में अप्रॉक्सीमेटली वाटर ऐड कर दूँ। इसका सोल्यूशन बना लेते हैं हम। वी कैन प्रिपेयर द सोल्यूशन एंड नाउ दिस इज योर ऑक्सैलिक एसिड इन दिस टेस्ट ट्यूब। एंड कंफर्मेटरी टेस्ट क्या बताता है, अगर आपको कोई भी सॉल्ट गिवन है, अगर उस सॉल्ट में जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही इसमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस आती है, तो ब्रिस्क एफर्वेसेंस क्या होती है क्लास, इसमें बबलिंग आना शुरू हो जाएगी, बबलिंग के साथ इसमें से फ्यूम्स निकलेगी बाहर, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट हो जाएगी आपकी टेस्ट ट्यूब। तो इस तरह का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन देता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमने सॉल्ट लिया है वो लिया है क्या, ऑक्सैलिक एसिड। और इस ऑक्सैलिक एसिड को जब मैं ऐड करूंगी इस टेस्ट ट्यूब में तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें ब्रिस्क एफर्वेसेंस आनी चाहिए। देखिए फ्यूम्स भी आ रही है और देखिए ब्रिस्क एफर्वेसेंस भी आ रही है, क्लियर है। तो ये जो ब्रिस्क एफर्वेसेंस आ रही है ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट है आपका किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। बड़ा ही अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट आता है जो मैंने आपको बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। उसके बाद और एक में क्या
वाले क्लास। अब इस फिनोलिक ग्रुप में हम क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे इसमें वन। तो क्या करते हैं हम इसका वाटर जो सॉल्यूशन बनाएंगे, ये मैंने इसमें फिनोल ले लिया, मैं डबल देती हूँ उसको। उसके बाद हम इसमें से ठीक इसमें क्या ऐड करना है, 1 ml। हमने क्या करा, क्या ऐड किया, अब देखिए क्लासेस में दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ। इस बीकर में मैंने फिनॉल लिया है एंड इन दिस बीकर वी विल ऐड दिस फेरिक क्लोराइड। और जैसे ही मैं इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करूँगी तो या तो मेरा रेड कलर आना चाहिए या फिर मेरा वॉयलेट कलर आना चाहिए, विच इज़ अ कन्फर्मेशनरी टेस्ट फॉर फिनॉलिक ग्रुप। तो जब आपने इसमें ऐड किया तो अच्छा लग रहा है। क्या कलर आया है मेरा, वॉयलेट कलर आ गया क्लास, डार्क वॉयलेट कलर क्लियर। तो ये जो मेरा डार्क वॉयलेट कलर आया है ये किसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट है, आपका फिनोलिक ग्रुप के लिए। तो फिनोलिक ग्रुप के लिए आपका जो टेस्ट आया है वो ये आया है, ये आपका आया है कीटोन के लिए ठीक। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या आया था आपका, ब्रिस्क फेमेसेंस क्लियर। तो दोबारा से मैं एक बार वर्बली रिपीट कर देती हूँ, आज हमने तीन फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करे। फर्स्ट वन इज योर कीटोनिक ग्रुप एंड सेकंड वन इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड थर्ड वन इज योर फिनोलिक ग्रुप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई द कीटोनिक ग्रुप, व्हाट वी कैन डू द टू कन्फर्मेटरी टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज योर मेटाटाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट एंड सेकंड वन इज योर सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट। तो इन मेटाटाइनाइट्रोबेंजीन व्हाट वी कैन डू मेटाटाइनाइट्रोबेंजीन प्लस सॉल्ट 1 ml एंड देन इन द सॉल्यूशन वी कैन ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वी कैन ऐड इन दिस 2 ml डाइल्यूट NaOH, 2 ml डाइल्यूट NaOH यू कैन ऐड इन द सॉल्यूशन एंड यू गेट अ वॉयलेट कलर। एंड द सेकंड टेस्ट फॉर फिनोलिक, फिनोलिक ग्रुप में हमने क्या किया है क्लास, इसमें मैंने फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया जिसको मैंने ऐड कर दिया आपका फिनॉल, और ऐड करके जो मेरा वॉयलेट कलर आया विच इज अ कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप। एंड सोडियम कार्बोनेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे अभी मैंने वॉश कर दिया था, अदरवाइज हमने क्या किया था इस टेस्ट में सॉल्ट लिया था और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डाला। तो जैसे ही इसमें मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन डाला तो उसमें ब्रिस्क फ्लेविसेंस आई, फ्यूम्स आने लगे, बबलिंग आना शुरू हो गई। तो उससे हमें क्या कन्फर्म हुआ, उससे हमें ये कन्फर्म हुआ कि हमारा जो गिवन फंक्शनल ग्रुप है वो किससे बिलोंग करता है, फिनोलिक ग्रुप से। तो यही बेसिकली तीन फंक्शनल ग्रुप्स हैं और भी हमारे तीन फंक्शनल ग्रुप रह गए, तो वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जिससे आपको इस तीनों फंक्शनों में कोई भी दिक्कत ना आए और आप इन सारे फंक्शनल ग्रुप को ईजीली कर सकें। थैंक यू क्लास।